स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। सही, तुम पर हमला करने वाले और गीता के घर गई औरत, अगर इन दोनों चीजों में कोई भी संबंध है या नहीं है, जो कुछ भी है वो हम पता लगा लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पाखी वहां नहीं गई थी, और तुम जिस तरह से पाखी पर इल्जाम लगा रही हो, ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस औरत से प्यार करता है जो पत्रलेखा पर इल्जाम डाल रही है, जिसे तुम दोनों की इतनी बड़ी मदद की? अब मैं तुझे असली वजह बताती हूँ। दरअसल पत्रलेखा को लेकर इसके दिल में इतनी जलन है कि उस धुएं में इसे कुछ नजर ही नहीं आता। ये अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अपने साथ कुछ भी कर ले, लेकिन ये हमारे खानदान के होने वाले चिराग को नजर क्यों लगा रही है? पत्रलेखा, तू परेशान मत हो। अरे, आज एक नए पढ़ाव की शुरुआत हुई है। आज से तुझे खाने पीने, आराम करने और खुश रहने पे ध्यान देना है, और किसी की बकवास बातों का खुद पर असर मत होने देना। लेकिन मैं खुश कैसे रह सकती हूँ बड़ी मामी, जब मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा है कि मैं मुजरिम हूँ, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। नहीं बाकी, आज जो तुमने किया है वो पुण्य किया है। तुम्हें तो खुद पर गर्व महसूस होना चाहिए। शांत हो। मैं पत्रलेखा को लेकर घर जा रही हूं। भूल कर भी उसे कोई ऐसी बात मत करना जिससे उसका मन खराब हो जाए या वो परेशान हो जाए। समझ लो। देखो, जब हम घर जाएंगे यहां से, इस सब के बारे में कोई बात ना हो, इस सब का जिक्र ना हो तो ही बेहतर है। आपको मैं अभी गलत लग रही हूं, लेकिन जल्द ही आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। सही, हो जाएगा। मुझे सही सही, ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? सब ठीक ठाक तो है? आप आ जाओ। अरे सोनाली, करिश्मा, मानसी, अरे कुठे सगळे, जल्दी आओ। अच्छा, कुछ कुछ धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता कदम। सही, क्या हुआ तुझे? ये चोट कैसे लगी? तूने किसी से लड़ाई की क्या? बोल। आई सही लगा ऐसा लग? बोल ना आई। सही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना सही, तुम तो अस्पताल गई थी ना? आई, सही का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। काय? पर अब वो ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। अश्विनी, ये सब भूल जा। पूछेगी नहीं कि तेरे पोते या पोते को इस दुनिया में लाने की जो प्रक्रिया थी वो कैसी हुई? इसमें पूछना क्या है वहनी, आपके चेहरे की खुशी देखकर तो पता ही चलता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो ही गया होगा। लेकिन सही ठीक नहीं लग रही है। क्या हुआ सही, बताओ ना।
वहिनी, पत्र लेखा को क्या हुआ? ये ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक है। और हमें अगले 9 महीने तक इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल ठीक रहे। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब सई भाभी और विराट दादा के बच्चे को पत्र लेखा भाभी ने कोख दिए? सही। आई। अरे पर गीता से कह। आई ना, अभी ये बात रहने दीजिए प्लीज। आप सब बस इतना जान लीजिए कि बाकी की कोख में सही और मेरा बच्चा पल रहा है। अब आप सबने तय कर ही लिया है तो मैं क्या बोलूंगी, जैसे सबको ठीक लगे। जो हो रहा है बहुत गलत है। मैंने सच कहूं तो इस बात की थोड़ी तसल्ली भी है कि इस घर का चश्मो चिराग पत्रलेखा की कोख में एक पलेगा, बजाय इसके कि किसी अजनबी के कोख में पले। अरे हमारे खानदान का वारिस हमारे परिवार के किसी सदस्य के कोख में पलेगा और इसी घर में बड़ा होगा, इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? हाँ बताओ। लेकिन सही का क्या, इसने तो कोई और औरत वुमन महिला देखी थी ना अपना बच्चा पैदा करने के लिए। क्या हुआ उसका, भाग गई वो? मैंने अगर कुछ कहा ना तो यहाँ कई लोगों को बुरा लग जाएगा, खास तौर से काकू। सोनाली काकू, आप इस बारे में सही से कोई बात ना करें तो ही बेहतर है। अरे प्लीज। तू ठीक है? करिश्मा, हो आई? कुछ बात समझ में आई? हो आई? तो जल्दी से मुझे भी बता देना। आई। अच्छा बताती हूँ, लगता है हॉस्पिटल में कुछ बहुत ही बड़ा कांड हुआ है जो हमसे छुपाया जा रहा है। हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसे जाने दो, और इस बात पर ध्यान दो कि पत्रलेखा अपनी कोख में विराट और सई के अंश को लेकर आई है। अगले 14 दिन में प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पक्की हो जाएगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम सब मिलकर इसका खूब ध्यान रखें, इसकी हर जरूरत पूरी करें। हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि गर्भ ठहर जाए और 9 महीने के बाद इस घर में खुशियों की किलकारियां गूंजे। पत्रलेखा आज से कोई घर का या रसोई का काम नहीं करेगी, इसके हिस्से का काम मुझे या सोनाली को भी करना पड़ेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्यों नहीं? अगर मैंने किसी को भी पत्रलेखा को जरा सा भी परेशान करते देखा तो मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी। माना जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर हमारे पास कोई चॉइस भी तो नहीं थी ना। मैंने कदम को फोन करके कह दिया है कि उन चोरों को ढूंढने में लग जाए वो, और अगर गीता सच कह रही है तो हम ये भी पता लगाएंगे कि उसके घर पे जो औरत गई थी वो कौन थी। लेकिन प्लीज ये सच मान लो कि अब हमारे बच्चे को पाखी ही जन्म देगी। मुझे ना ऐसा लग ही नहीं रहा है।
कि आज आपका और मेरा अंश किसी की कोख में डाला गया, कि कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा आने वाला है। आपको पता है एक औरत की जिंदगी में सबसे अहम पल क्या होता है? उसकी शादी। आपकी और मेरी शादी हुई, लेकिन हमारे बीच कौन था? बाकी। एक औरत की जिंदगी में दूसरा सबसे अहम पल क्या होता है? औलाद का सुख पाना। और उसमें आपके और मेरे बीच कौन है? बाकी। अब आपको समझ आया या अब भी आप उसकी साइड लेंगे? आपने मेरी मर्जी के बगैर हमारा अंश एक ऐसी औरत के कोख में रखने दिया जिसके लिए मैंने साफ मना किया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं। और एक्चुअली सच बोलू ना तो मुझे गुस्सा ही नहीं रहा है। मैं बहुत निराश हूँ कि सब कुछ पता होने के बावजूद आप मेरे खिलाफ गए। आप अच्छी तरीके से जानते थे कि मैं बाकी की मदद नहीं लेना चाहती और अब फिर क्या हो रहा है ये? इस प्रक्रिया की मदद से हम हमारे इस बच्चे को दुनिया में लेकर आने के लिए कितने एक्साइटेड थे, सुबह भी कितने खुश थे हम। इतनी मुसीबतों के बाद भी फाइनली ये प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी हो गई। पर एक साथ इस बात को लेकर खुश होने की जगह हम एक दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं? मैं आई हूं ना तुम्हारी, तुम्हारे दिल का दर्द मैं बिना बोले ही समझ जाती हूँ बेटा। कभी कभी ना इंसान लाख कोशिश करे फिर भी सफल नहीं हो पाता बेटा। तुमने भी लाख कोशिश की ना कि तुम्हारा और विराट का बच्चा पत्र लेखक की कोख में ना पले, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए जब से अस्पताल से आई हो परेशान सी लग रही हो। सही, तुम इतनी चोट पहुंची, इतना दुख हुआ, लेकिन घर के किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसका मतलब जरूर अस्पताल में बहुत कुछ हो गया है जिसकी वजह से गीता की जगह पत्र लेखा ने ली। सही, देखो बेटा जब दिल दर्द से भरा हुआ होता है ना तब वो दुख बांटना चाहिए, किसी से कहना चाहिए तो मन हल्का हो जाता है। बच्चा क्या हुआ बताओ? नहीं आए, नहीं, इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझे तो लगता है मेरी किसी भी बात का इस घर में कोई मतलब है ही नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो मेरे लाख मना करने के बावजूद भी बाकी ने मेरे बच्चे को कोख दी। मैं अस्पताल में मौजूद नहीं थी तो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के ये प्रक्रिया कर ली। अब सब हो गया ना? इसमें कुछ बदल सकते हैं क्या? अगर कुछ बदला नहीं जा सकता तो फिर इसे स्वीकार ही कर लो ना, वरना ये दर्द वक्त के साथ साथ बहुत बढ़ता जाएगा। अब तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अब तुम माँ बनने वाली हो, अब तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा, क्योंकि माँ को हमेशा खुश रहना पड़ता है। माँ खुश होती है तभी तो वो अपने बच्चे को खुश रख पाती है ना। इसलिए मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, तुम्हें मुस्कुराना होगा, हंसना होगा और जरूरत पड़े तो खुश रहने का नाटक भी करना होगा, क्योंकि माँ अपने दुख का साया कभी अपने बच्चे पर पड़ने ही नहीं देती। इसीलिए तो दुनिया में कहते हैं ना, माँ बनना इतना आसान नहीं होता। जब एक औरत माँ बनती है तब वो अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के नाम कर देती है। बच्चे की खुशियां, उसकी भलाइयां माँ के लिए सबसे ऊपर होती है। अरे
सुन मेरी बात। पत्र लेखा, भले ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली हो, लेकिन माँ तो तुम ही बनोगी ना, वो बच्चा तो तुम्हारा ही होगा ना, है ना? बस बुरा नहीं माना, एक सलाह देती हूँ। अब ना तुम वहनी के साथ, विराट के साथ, पत्र लेखा के साथ, खास कर अपने आप से झगड़ना बंद कर दो। सही, मान लो ये सब हो गया है, अब इसे स्वीकार कर लो। पत्रलेखा का तुम्हारे बच्चे को जन्म देना, ये नियति ने पहले ही तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के भाग्य में ये पहले से ही लिखा हुआ है। नॉक कर दिया होता या आवाज लगा दी होती, इसे चुपचाप अंदर आने की क्या जरूरत थी? मैं डर गई थी ना। डरना तो चाहिए ना, तुम्हें भी और मुझे भी। कितना बड़ा खेल खेला तूने बाकी, और तो और मुझे भी इस खेल का हिस्सा बना दिया। बस आई, मैंने सिर्फ आपसे एक फोन कॉल करवाया था, बाकी पूरे प्लान को अंजाम तो मैंने अकेले नहीं दिया है ना, और उस सही को तो मैंने ऐसा घुमाया है कि अगले 9 महीने तक प्रेग्नेंट में रहूंगी और चक्कर उसे आते रहेंगे। तू उसे घुमाने की बात कर रही है, पर ये मत भूल बाकी कि किस्मत का पहिया कब किसके खिलाफ घूम जाए ना, पता नहीं चलता। और वैसे भी जितना मैं सही को जानती ना, अगर उसका शक तुझ पे बरकरार रहा तो वो इस बात की जड़ तक पहुंच के रहेगी कि तू गीता की जगह पे कैसे आई। सच तक पहुंचने का एक ही रास्ता था आई, और वो भी मैंने बंद कर दिया है। गीता और योगेश ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया है, तो फिर वो सही कौन सा तीर मार लेगी? अब तो प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है आई, अब सही जितने मर्जी चाहे हाथ पैर क्यों ना मार ले, एंड में उसे मानना ही पड़ेगा कि उसके और विराट के बच्चे की मां मैं ही बनूंगी। हमें अब भगवान से ये मांगना चाहिए, जो चीज हम बदल सकते हैं उसे बदलने की हिम्मत दे, ताकत दे, और जो चीज हम नहीं बदल सकते उसे स्वीकारने की समझ दे। हाँ सही सही, देखो बाड़ा, तुमने इस घर के कितने लोगों की जिंदगियां बदल डाली है, कितनी हिम्मत दिखाई है तुमने, है ना? अब समझदारी दिखाओ। सही, अगर तुमने इस समझदारी से जो कुछ भी हो गया है इस बात को स्वीकार नहीं किया ना, तो तुम यही दुख और तकलीफ की दलदल में धंस जाओगी, और यही तुम्हारे बच्चे के साथ भी होगा जो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ सही, इसे स्वीकार कर लो, ये मान लो कि पत्रलेखा ही तुम्हारे बच्चे को जन्म देगी। अस्पताल में अगर कुछ गलत हुआ है तो भगवान एक दिन इसकी सजा जरूर देगा। पैनी कहती है ना, पत्रलेखा की बद्दुआ अगर तुम्हारी कोख ले सकती है तो तुम्हारे अंदर की आग, तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारे बच्चे को भी इस तरह। कुछ कहीं चले जाएंगे,
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.